आप ही तो हमसे इतने सख्त लहजे में बात कर रहे थे, बिना सोचे आप कुछ भी बोलते गए। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में आप देखेंगे। जब बाबा साहब अपनी बीवी को दफन कर वापस घर आएंगे तो अपने बेटे दारा से कहेंगे, एक बात कान खोल के सुन लो, जिस तरह मेरी बीवी मेरे को छोड़कर गई है उसी तरह शमशेर भी आज से मेरे लिए मर चुका है। अब अगर किसी ने उसका नाम लिया या उसका जिक्र किया तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा उससे कोई ताल्लुक है। सब घर वाले को बाबा साहब एक जगह खड़ा करके और सबके कान में ये बात ढाल देगा, इस घर में अब कोई भी शमशेर का जिक्र नहीं करेगा। जिस तरह मेरी महविश मुझे छोड़कर गई है उसी तरह शमशेर भी इस घर के लिए मर चुका है। अगर कोई भी शमशेर से रब्ता करने की कोशिश करेगा तो वो इंसान उसी दिन इस घर से बाहर होगा। अब मैं किसी की भी मुंह से शमशेर का नाम ना सुनूं। धारा तो फिर भी अपने बाप को समझाने की बहुत कोशिश करेगा कि बाबा साहब अपना फैसला बदल दे, आप इस तरह शमशेर से ज्यादती नहीं कर सकते। बाबा साहब कहेगा कि मैंने कौन से ज्यादती करी है उसके साथ, आज उसकी माँ मरी है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से। और तुम मुझे समझा रहे हो अगर वो उस लड़की को उस टाइम छोड़ देता तो आज इसकी माँ जिंदा होती। अगर तुम्हें शमशेर से इतना ही लगाव है तो तुम भी इस घर से जा सकते हो। मेरे फैसले से किसी को एतराज हो या ना हो, मेरा आखिरी फैसला यही है। फिर बाबा साहब अपने कमरे में चले जाएगा और कमरे में जाकर अपनी बीवी की तस्वीरें देखेगा और उसको उसकी बीवी की सारी बातें याद आएंगी कि किस तरह उसकी बीवी सारी बात मानती थी, कभी भी अपने शौहर के फैसले के खिलाफ नहीं गई। लेकिन आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि बाबा साहब को एक और एक तकलीफ आने वाली है।